अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम फैमिली मेंबर्स और दोस्तों यारों का जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस जो हैं डेली बेसिस पे देख रहे हैं। मैं व्यूज़ देखता रहता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि मुझ जैसे एक आम से बंदे के व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ, आई एम हाईली थैंकफुल टू द क्रिएटर ऑफ यूट्यूब। वो हैं तो वैसे तीन, लेकिन मुझे उनमें से एक का नाम याद है, उनका नाम है जावेद करीम। आई एम हाईली थैंकफुल टू दोज पीपल हु क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म। बहुत ज़बरदस्त लोग होंगे यार जिनके जहन में ये आइडिया आया कि किस तरह अपनी बात लोगों तक पहुँचाई जाए। उसके बाद आज मेरे जहन में यह आइडिया आ रहा था कि आप लोगों को बताऊँ कि अगर किसी का कोई ख़ानदानी बिजनेस है, जैसे कोई एक दो पीढ़ियों से कोई बिज़नेस करता हुआ चला आ रहा है, किसी का है बिज़नेस, जैसे कोई मंडी में बैठ रहा है या कोई अपना कोई भी काम कर रहा है जो एक दो पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है, उसको छोड़कर अगर कोई नया काम आज के दौर में करना चाह रहा है तो मेरे ख़्याल में उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठाएगा। क्योंकि बिज़नेस, नया बिज़नेस शुरू करने में घाटा बहुत ज़्यादा चांस है कि घाटा हो, तो अपने उसी बिज़नेस को वो मॉडर्नाइज करे, अपने उसी बिज़नेस को मॉडरेट करे, उसको एक्सपेंड करे, तो कम टाइम में उसको ज़्यादा फ़ायदा होने का चांस है। तो मेरी इस बात को अपने पल्लू से बांधें, किसी नए काम को छेड़ने से पहले उसी काम को एक्सपेंड करें जो आपके वालदेन करते चले आ रहे हैं, उसी में आपकी भलाई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।